इसमें आप क्या क्या 10 किलो आटा दे रहे हो, दाल 1 kg, तेल, हल्दी, मिर्च। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर 1 इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। मैं ड्यूटी के दौरान देख रहा था कि भाई ज़्यादातर लोग जो गरीब लोग जो मजदूर थे वो परेशान हो रहे थे खाने के लिए। इस वजह से मैंने मेरे जो संपर्क हैं व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, फेसबुक से, मैंने अपने जो पुलिसकर्मियों से वह सामान्य जो सिविल जो लोग हैं उनसे पहल की, तो उन्होंने मेरे को सहयोग दिया। उनसे मैंने राशन का सामान खरीद के उन लोगों को वितरण किया। क्या कहना चाहते हो शहरवासियों जी? शहरवासियों को क्या कहना, अपील करना चाहते हो? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जो सक्षम लोग हैं, जो पैसे वाले जो लोग हैं, वो गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। इस समय हमारा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, इसमें सब काम धंधे बंद हैं। जो डेली जो रोज़गार वाले जो मजदूर जो लोग थे वो परेशान हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें जिससे उनके रोजी रोटी का संकट पैदा नहीं हो। हेमंत जी, एक बात और, आपने अभी तक कितने जनों को खाना, सूखी सामग्री वितरण कर दी, और क्या आगे भी करते रहोगे? मैंने अभी तक लगभग 35 परिवारों को सूखा सामान वितरण किया है। अभी मेरे पास 8 से 10 हज़ार रुपये और हैं, जिससे मैं कम से कम 18 से 20 परिवारों को सूखा सामान वितरण करूंगा, और आगे भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से पहल करूंगा। इससे मेरे पास जो पैसे आएंगे उनसे मैं गरीब लोगों की सेवा करता रहूंगा। कलेक्टर आपका साथ दे रहा है जी, पूरा थाना चौकी जो भी जी, बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम हेमंत शर्मा, पुलिस थाना कलकत्ता। इसमें आप क्या क्या 10 किलो आटा दे रहे हो? दाल 1 kg, तेल, हल्दी, मिर्च, नमक, पूरी सामग्री दे रहे हो आप ना? डाल 165, 15 मिर्ची, 180।